दोस्तों आदाब सलाम नमस्कार। दोस्तों आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अटारी ब्रदर। जिन भाइयों ने जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले और घंटी के बटन को भी प्रेस कर ले जिससे नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। तो दोस्तों आज हम आपको बताने जा रहे हैं आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दांतों के अमराज, दांतों के रोग। दांतों में पायरिया लग जाता है, मवाद हो जाती है, ब्लड आने लगता है, दाढ़ दर्द, दांत दर्द, कीड़ा लग जाता है, ठंडा गर्म पानी लगता है, दांत हिलने लगते हैं। इन सभी के लिए हम आपको आज बताने जा रहे हैं बहुत ही बेहतरीन ये क्यों होता है और किन किन जड़ी बूटियों से ये ठीक हो जाता है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल पर। जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले और घंटी के बटन को भी प्रेस कर ले। तो दोस्तों सबसे पहले हम लेकर चलते हैं मुंह के छाले। मुंह के छाले को जल्दी ठीक करता है नीम की दातून। नीम की दातून का एंटी माइक्रोबायल गुण मुंह के छालों को जल्दी ठीक होने में मदद करता है और उनकी बार बार आना कम करता है। जब बार बार बदबू आती है, छाले पड़ जाते हैं, बार बार मुंह आता है, उन सभी में ये नीम की दातून बहुत ही अच्छी है। दांतों के दर्द के रूप में असरदार और नीम की दातून को अच्छी तरह से धोकर, दांतों के दर्द में ये असरदार है, बहुत ही असरदार रूप से काम करता है। नीम की दातून को अच्छी तरह से धो लें और धीरे धीरे इसको चबाएं, उससे जो रस निकलता है वह आपके दांतों को दर्द को दूर करता है, दांतों का दर्द ठीक हो जाता है, क्योंकि इसका एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटी वायरल गुण इस क्षेत्र में बहुत काम करता है। साथ ही मसूड़े मजबूत होते हैं जिसके कारण बुढ़ापे में भी दांतों की कोई समस्या नहीं होती, दांतों का पीलापन दूर होता। आजकल तरह तरह के जंक फूड खाने की वजह से दांतों में पीलेपन की समस्या हो गई है। नीम की दातून जो रस निकालता है, नीम की दातून चबाने से जो हमारे मुंह में रस निकलता है और जो रस नीम की दातून से निकलता है वह दांतों के पीलेपन को साफ करने करके उन्हें सफेद और स्वस्थ चमकदार बनाता है और फेस को लुक देता है, यानी कि चेहरे को बेहतर बनाता है। कहते हैं कि दातून को चबाने से जो चेहरे का व्यायाम होता है उससे फेस पर एक लुक आता है। ध्यान देने की बात यह है कि नीम की दातून कड़वा होने की वजह से गर्भवती महिलाएं और बच्चे न ही इस्तेमाल करें तो अच्छा है। हो सकता है कड़वेपन के कारण उन्हें जी मिचलाने लगे, उल्टी आने की समस्या हो जाए। नीम की दातून से दांतों का रगड़ना नहीं चाहिए। जो कुछ लोग होते हैं नीम की दातून लेते हैं, वे दातून को खूब तकड़े तकड़े कैड़े कैड़े घस्से लगाते हैं, वह घस्से नहीं लगाने चाहिए, ज्यादा रगड़ना नहीं चाहिए, बल्कि पहले धीरे धीरे चबाना चाहिए, फिर वह ब्रश की तरह मुलायम हो जाए तब धीरे धीरे इसको साफ करना चाहिए, यहां तक कि इसको चबाने से जीभ भी साफ सुथरी हो जाती है। इसलिए टूथ ब्रश और पेस्ट छोड़े, आपको टूथ ब्रश और पेस्ट छोड़कर नीम का दातून इस्तेमाल करें। कुछ जगह हमारी किताबों में लिखा है, आयुर्वेद शास्त्रों में लिखा है कि जो पेड़ हैं, जो पेड़ पौधे हैं, वे 12 तरह के लिखे गए हैं जिनकी इंसान को दातून करनी चाहिए। वे 12 पेड़ कौन कौन से हैं उनका भी हम आपको बताएंगे, जिक्र करेंगे। महर्षि वाग्भट जी ने अष्टांग हृदयांग में दातून के बारे में बताया है कि वह कहते हैं कि दातून कीजिए, दातून कैसा तो स्वाद में कसाय हो। जिस दातून का स्वाद कसाय हो, कसाय का मतलब कड़वा, और नीम की दातून कड़वी ही होती है, इसलिए उन्होंने नीम की दातून की बड़ाई की है, प्रशंसा की है। उन्होंने नीम से भी अच्छा एक दूसरा दातून बताया है, वह है मदार। मदार का उसके बाद अन्य दातूनों के बारे में उन्होंने बताया है जिसमें है बबूल, अर्जुन, आम, अमरूद, जामुन, महुआ, महुआ का पेड़ होता है महुआ, करंज, बरगद और अपामार्ग जिसे हम चिपचिटा भी कहते हैं, बेर, शीशम और बांस। ये 12 वृक्ष हैं जिनकी हमें दातून करनी चाहिए। महर्षि बागवत जी ने अपने अष्टांग हृदयांग एक बुक है उसमें लिखा है जिनके दातून आप कर सकते हैं, चैत माह से शुरू करके गर्मी भर नीम, मदार या बबूल का दातून करने के लिए उन्होंने बताया है। सर्दियों में उन्होंने अमरूद या जामुन का दातून करने को बताया है और बरसात के लिए उन्होंने आम और अर्जुन की पेड़ की दातून करने को बताया है। आप चाहे तो साल भर में नीम की दातून का इस्तेमाल कर सकते हैं, साल भर
पूरे साल के साल आप चाहे नीम की दातून का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसमें ध्यान इस बात की रखें कि 3 महीने लगातार करके, 3 महीने लगातार इस्तेमाल करने के बाद, यानी कि 3 महीने दातून करने के बाद नीम की दातून को कुछ दिन के लिए विश्राम दे। इस अवधि से मंजन कर ले, किसी भी चीज का मंजन कर ले। दंत मंजन बनाने की एक आसान विधि उन्होंने बताई है कि वे कहते हैं कि आपके स्थान पर उपलब्ध खाने का तेल, जिसे हम सरसों का तेल कहते हैं, नारियल का तेल कहते हैं, या जो भी तेल आप खाने में इस्तेमाल करते हो रिफाइंड को छोड़कर, उसमें उपलब्ध लवण मतलब नमक और हल्दी मिलाकर मंजन करें, इसका प्रयोग करें। दातून टीथ क्लीनिंग पिन। दातून किसी उपयुक्त वृक्ष की पतली टहनी से बना 15 से 20 सेंटीमीटर लंबा दांत साफ करने वाला परंपरागत ब्रश है। इसके लिए बहुत से पेड़ों की टहनियां उपयुक्त होती हैं, किंतु नीम की मिसवाक आदि की टहनियां विशेष रूप से लोकप्रिय है। कृत्रिम ब्रश की अपेक्षा दातून के कई लाभ होते हैं, जैसे कम लागत अधिक पर्यावरण हितैषी है। आपने कभी सोचा है कि पहले जमाने में दातूनों की समस्या बहुत कम लोगों को होती थी? क्या आपने कभी सोचा है क्यों पहले लोग ब्रश पेस्ट नहीं कर तो इस्तेमाल करते थे, बल्कि दातून से मुंह धोते थे? न बल उनके दांतों में सेंसिटिविटी की समस्या थी, और न ही पीलेपन दांतों की समस्या थी, और न ही सांस में बदबू आती थी। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि आज बड़ी बड़ी कंपनियां इन्हें नेचुरल चीजों को मिलाकर टूथपेस्ट बनाकर मार्केट में लाती है। लोग पागलों की तरह उन्हें खरीदते हैं, चाहे वह कितनी ही महंगी क्यों न हो। रोगों के अनुसार दातून करिए, स्वस्थ रहिए। शरीर का प्रमुख अंग माना जाता है मुंह, क्योंकि इसी के माध्यम से शरीर को आहार पहुंचाया जाता है। मुंह के अंदर निवास करने वाले दांत खाए जाने वाले पदार्थों को पीसने का काम करते हैं, ताकि मुंह में डाले गए भोज्य पदार्थ आसानी से गले के रास्ते होकर पेट तक पहुंच जाए। हमारे देश में प्राचीन काल से ही दांतों को साफ करने के लिए अनेक प्रकार के वृक्षों की टहनियों का दातून के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। दातून करने के माध्यम से हम उस वृक्ष विशेष के रसों को अपने दांतों, मसूड़ों और जीभ के संपर्क में लाते हैं। वृक्ष विशेष के रस न सिर्फ हमारे दांतों और मसूड़ों को स्वस्थ रखते हैं, बल्कि शरीर के अनेक रोगों को भी शांत करते हैं। जो शरीर में रोग बन जाते हैं उनको भी शांत करते हैं। इसी प्रकरण में उन्होंने अनेक प्रकार के दातूनों का प्रयोग अलग अलग रोगों को रोकथाम के बारे में बताया जा रहा है। जैसे हम बताएंगे आपको नीम की दातून, नीम की छाल में निम्बीन या मार्गोसीन नामक तिक्त राल में सत्व और निम्बोस्टेरोल एवं एक प्रकार का उड़नशील तेल के साथ 6% टैनिक पाया जाता है। इसका दातून सभी दातूनों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसकी टहनी से प्राप्त रस में मसूड़ों की सूजन, पायरिया, खून का निकलना, दांतों में कीड़े लगना, पीप आना, जलन होना, दांतों का टेढ़ा होना आदि रोगों का नाश करता है। गर्भवती औरतें अगर अपने आरंभ काल में समस्त दिनों में नीम की ताजी टहनियों की दातून सुबह शाम नियमित रूप से करती हैं, तो उनका गर्भस्थ शिशु संपूर्ण निरोगी होकर जन्म लेता है, तथा उसे किसी भी प्रकार के रोग निरोधी टीकों को लगाने की आवश्यकता नहीं होती। दूसरे नंबर पर बबूल की दातून। आयुर्वेद का मतलब है कि बबूल कफ नाशक है, पित्त नाशक है, व्रण रोषण, स्तंभन, संकोचन, रक्त शोधक, कफध्वन, गर्भाशय शोथहर, गर्भाशय स्रावहर तथा विषध्वन माना गया है। इसी तरह से बबूल के अंदर गोंद होता है। बबूल के अंदर पाए जाने वाले रस में श्वेत पर्दर और शुक्र रोग जो पुरुषों को होते हैं, अतिसार, फुफ्फुसावरण सत्र, उराक्षत, प्रवाहिका आदि जटिल रोगों के साथ दांतों को ऐसे से गिरने से, हिलने से, मसूड़ों से खून आने लगता है, मसूड़ों में मुंह में छाले हो जाते हैं, इन्हें सभी को रोकने के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छी है। बबूल की दातून करते रहने से बांझपन एवं गर्भपात होने का भी डर नहीं रहता। इसके बाद है अर्जुन की दातून। हरितत्यादि कुल का अर्जुन
क्रिस्टलाइन तत्व अर्जुनेटिन लैक्टोन तथा टैनिक से युक्त होता है। यह रक्त स्तंभक, हृदय रोगों में लाभप्रद, रक्त पित्त शामक, प्रमेह नाशक, शरीर की सुंदरता को बढ़ाने वाला होता है। इसकी ताजी टहनी से दातून करने से उच्च रक्तचाप, एंजाइना, दिल का रोग, दिल के दर्द, शुगर, मधुमेह, टीबी, राजक्षमा आदि अनेक बीमारी नष्ट हो जाती है।